यू लुक वन ऑफ माई फेवरेट फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाली मेकअप लुक, एक न्यूड मेकअप लुक। ये मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि ऐसे लुक आप शेयर करो, तो हाँ मुझे पर्सनली ऐसे लुक बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब थोड़ा यू नो ग्लोई ड्यूई लुक, काजल कम मस्करा के साथ, यू नो बहुत ही सिंपल वाली लुक। और हाँ ऐसी लुक मैं पूजा में एक दिन ज़रूर क्रिएट करती हूँ। तो बस ये वाला लुक आपके साथ आज मैं शेयर करूँगी। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, वीडियो को एंड तक देखो, कमेंट करके बोलो आपको कैसी वीडियोज़ देखना पसंद है, और मेरे वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ मुझे सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करना मत भूलना, जब जब मैं नई नई वीडियोस डालती रहूंगी आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो ज्यादा बातें ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं क्या करूंगी, मैंने अपने स्किन केयर ऑलरेडी कर लिया है। मैंने अच्छे से स्किन को फेस वॉश करके फेस में मैं मामाअर्थ उबटन फेस मास्क लगाने के बाद अच्छे से टोनर लगा लिया। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पॉन्ड्स का ये हाइलुरोनिक एसिड वाला सुपर लाइट जेल, और इसको लगा के अगर आप मेकअप करोगे तो आपका स्किन बहुत फ्लॉलेस दिखता है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ NYB का प्रो प्राइमर ऑरेंज कलर करेक्टिंग फेस प्राइमर। इसका जो प्राइस है वह 249, आपको पर्पल में ये मिल जाएंगे 200 के अंदर, बाय 200 आपको ये मिल जाएंगे। और ये प्राइमर बहुत अच्छा है, करेंटली माई फेवरेट प्राइमर ये है ये, और ऑलरेडी ये मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। अच्छे से ये प्राइमर कुछ कलर करेक्टिंग एज सच नहीं करता है, पर हाँ आपकी स्किन को बहुत ही एक फ्लॉलेस लुक देता है। ग्लोई ड्यूई लुक चाहिए तो मैं यहाँ पे लैक्मी ल्यूमिन क्रीम लगा रही हूँ। इसका जो रिव्यू है मेरे चैनल पे है, आप जाके देख लो अगर नहीं देखा है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और ये बहुत अच्छा क्रीम है, ये आपके स्किन को एक अच्छा सा, देखो आप कितना सुंदर एक ग्लो प्रोवाइड करेगा आपके स्किन में। और विंटर आ रहा है, फेस्टिव सीजन है, तो एक नेचुरल ग्लो अगर होता है तो स्किन में बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है ये ऐसे। अब मैं लगा रही हूँ, यहाँ पे मैं कोई फाउंडेशन नहीं यूज़ करूँगी, मैं यहाँ पे बीबी क्रीम यूज़ करूँगी, पॉन्ड्स का बीबी क्रीम। करंटली ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और मेरा शेड है आइवरी। इसमें दो ही शेड्स आते हैं, तो आप जो मेरे स्किन टोन के हो या मेरे से लाइट हो या मेरे से थोड़ा डार्क हो, तो आप लाइट ये आइवरी यूज़ कर सकते हो। और जिनका स्किन टोन ज़्यादा डार्क है उनके लिए मीडियम अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ पे, ये फेस्टिव मेकअप है तो मैं यहाँ पे इतना ले रही हूँ, और अच्छे से इसको वार्म अप कर रही हूँ अपने फिंगर्स के हेल्प से, ताकि अच्छे से ये ब्लेंड हो जाए मेरे स्किन में। और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं यूज़ कर रही हूँ, मतलब कोई ब्रशेस या कोई ब्यूटी ब्लेंडर नहीं यूज़ करूँगी, मैं फिंगर्स के हेल्प से इसको ब्लेंड करूँगी। मेरे ना अंडर आई पे नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम डार्क सर्कल्स रहते हैं, पर आज बाय गॉड्स ग्रेस आज नहीं है, क्योंकि आज मैं अभी शाम के 7 बज रहे मैं जब शूट कर रही हूँ उसको, और आज मैं दोपहर को मतलब आफ्टरनून को थोड़ा सो गई थी। सोने के कारण मेरा जो डार्क सर्कल्स है वो काफ़ी कम लग रहा है, आप देख सकते हो थोड़ा ये जो पॉकेट है ये लग रहा है कि है। माई फाउंडेशन हैज़ डन, अब मैं लाइट ऑफ करके आपको दिखाती हूँ। अब देखो, अब नॉर्मल लाइट में आपको दिखा रही हूँ मैं, काफ़ी फ्लॉलेस दिख रहा है स्किन मेरा। मैं अपना जो फाउंडेशन, मतलब जो भी मैंने लगाया, आप जो भी लगा रहे हो उसको सेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मी 9 to 5। और मैं आज जितनी भी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, मतलब यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादातर अफोर्डेबल साइट से है, सिवाय मेरे मस्कारा के, सुपर अफोर्डेबल साइट से है। और ये जो मेरा कॉम्पैक्ट है पाउडर फाउंडेशन, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मेरा स्किन, मतलब मेरा जो बेस है काफ़ी फ्लॉलेस दिख रहा है, और मुझे ना ज़्यादा ओवरडू करना पसंद नहीं है। तो मैं आज जो मेकअप लुक कर रही हूँ वो एकदम न्यूड वाला है, तो मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगी।
आप देख सकते हो। अब मैं अपने अच्छे से अपने ब्राउ को फिल कर लूंगी। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ फेसेस कनाडा का ये अल्टिम प्रो आईब्राउ पेंसिल। ये ब्राउ पेंसिल मतलब लास्ट मंथ को मैंने परचेज किया है और ये मुझे अभी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। सो आई एम डन विथ माई आईब्राउ। आप देख सकते हो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, जस्ट फिल किया जो गैप्स है। मैं बहुत नेचुरल लगना पसंद करती हूँ, मुझे ज़्यादा मतलब ब्राउ को मोटा चौड़ा करके बनाना पसंद नहीं है। और हाँ, मेरा बेस मेकअप हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे। ये बहुत अच्छा है, ये भी आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएगा। इसका प्राइस जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बस आई एम डन विथ माई बेस मेकअप, आप देख सकते हो। अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे, आपके पास अगर लिक्विड ब्लश है तो आप लगाओ, लिक्विड लिपस्टिक है तो वो लगाओ। मेरे पास लिक्विड लिपस्टिक है, यहाँ पे मैं जो भी मेरे पास घर पे है उसी से मैं इसको करने की कोशिश करूँगी। ये मेकअप एक्चुअली फॉर टीनेजर्स, जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स होते हैं ना, उनके पास इतना ज़्यादा मेकअप नहीं होता है जैसे हमारे पास भी नहीं होता था जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे। और कॉलेज में क्या, मेरे पास तो कुछ साल पहले तक ज़्यादा मेकअप फाउंडेशंस ब्लश ये सब नहीं हुआ करता था, बहुत कम था, मतलब जो भी था उसी में चलाना पड़ता था। तो आज मैं वैसे ही कुछ कर रही हूँ, मतलब आपके पास जो भी है उसी में आप चलाओ। हाँ, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। और मुझे ना ऐसे नेचुरल वाला जो ब्लश, मतलब ये कुछ ऐसा लगेगा आपको, आप जब सामने से करोगे ना, न्यूड मेकअप है ये, थोड़ा ना लगेगा कि अंदर से आपके स्किन में ये पिंकिश यू नो ग्लो आ रहा है और उसके साथ थोड़ा ग्लो भी रहेगा। तो मुझे ऐसा मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके बाद मैं अच्छे से मस्कारा लगाऊंगी। मैं आईज पे और कुछ नहीं लगाऊंगी, सिर्फ मस्कारा। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लॉरियल फॉल्स लैशेस सुपरस्टे, फॉल्स लैशेस लगा रही हूँ। ये जो है मस्कारा थोड़ा एक्सपेंसिव है, इसका जो प्राइस है ये शायद मैंने लिया था 1200, पर अभी नायका में सेल चल रहा है, पर्पल में भी सेल चल रहा है, तो आपको ये डिस्काउंट में मिल जाएगा शायद। आज का जो मेकअप लुक है वो दुर्गा पूजा में तो आप कर ही सकते हो, दुर्गा पूजा के सिवा कभी भी कर सकते हो, डेली मेकअप लुक के लिए भी कर सकते हो और सबके लिए है। आज का मेकअप लुक किसी एक के लिए नहीं है, दिस इज़ फॉर एवरीवन। मतलब हाउसवाइफ जो है जिनको ज़्यादा मतलब ओवरडू करना पसंद नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनको ओवरडू करना पसंद नहीं है, उनके लिए भी है। लाइक मी, मैं जब रियल में निकलती हूँ तो मुझे ऐसा ही पसंद होता है, ऐसे ही अपने आप को मतलब रेडी करना पसंद है, मुझे ज़्यादा कुछ करना पसंद नहीं है तामझाम। आपके पास अगर हाइलाइटर है तो यूज़ करो, नहीं है तो मत करो, बस ऐसे ही आप छोड़ सकते हो लिपस्टिक लगा के। मेरे पास हाइलाइटर है और अगर आपको ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ये इंस्टा रेडी इल्यूमिनेटिंग हाइलाइटर स्टिक लेना है तो आपको अमेजन पे इस पर अभी बहुत अच्छा अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है। आप देख सकते हो इसका जो मतलब कोई चंकी पार्टिकल्स नहीं है एज सच, ये बहुत अच्छा है। अगर आपके पास ये है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, या आपको, आप सोच रहे हो कि पूजा है, दुर्गा पूजा है, आपको कुछ लेना है, डेफिनेटली आप इसको अभी ले सकते हो। ये आपके स्किन में एक नेचुरल सा ग्लो ला देगा। और मुझे ना ऐसा ही मेकअप पसंद है जिसमें जिसमें सिर्फ ग्लोई एंड डूई हो स्किन, और थोड़ा ब्लश लगाना मुझे पसंद है। ब्लश के साथ आपका स्किन बहुत सुंदर लगता है। मैं अपने हाई पॉइंट्स पे लगा रही हूँ,
मैं यहाँ पे कोई आई शेडोज नहीं यूज़ किया है। अगर आपको यूज़ करना है तब कर सकते हो। मैं ऐसे ही हाइलाइटर्स को अपने आईज़ के ऊपर लगा रही हूँ। इससे क्या होगा, आपके आईरीज भी काफ़ी यू नो ग्लोई एंड ड्यूई लगेगा, मतलब एक शिमर आ जाएगा आपके आईरीज पे और ये काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड दैट्स इट विथ माई मेकअप लुक। अब मैं, अगर आपको ये लेना है तो आप ले सकते हो। इसका प्राइस जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ये भी काफ़ी अफोर्डेबल है, ये अराउंड 200 मतलब 200 to 300 के अंदर आता है। आपको अगर ये इल्यूमिनेटिंग क्रीम लेना है ये भी ले सकते हो, दिस इज 299। ये भी आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा, मुझे भी मिला था। आपको ये NYB का प्राइमर लेना है तो डेफिनेटली आप गो फॉर इट। ये बहुत अच्छा प्राइमर है, मुझे बहुत पसंद है। और ये भी 249 इसका प्राइस है, आपको 200 के अंदर मिल जाएंगे। सारे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स है। आपको अच्छा फाउंडेशन में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपको फाउंडेशन नहीं लगाना है थ्रू आउट द ईयर, आप नहीं लगाते हो सिर्फ फेस्टिव्स में लगाते हो, तो डेफिनेटली आप बीबी क्रीम पे इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये जो पॉन्स का बीबी क्रीम है एक बहुत अच्छा है। इसका मेरा शेड है आइवरी और इसमें आपको SPF 30 PA++ मिल जाएंगे। इसका प्राइस भी बहुत कम है, मतलब मैंने लिया है 10 ग्राम, मैंने लिया है 18 ग्राम का प्रोडक्ट। और मैं इसका जो प्राइस है वो भी मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये जो बीबी क्रीम है इसका 3 साइजेस आते हैं, आपको अपने हिसाब से साइज लेना है। मेरा जो ये 18 ग्राम वाला प्रोडक्ट है ये काफ़ी दिन तक चलता है, लाइक मैं डेली भी करूँ तो फिर भी ये मेरा 3 to 4 months चल जाता है। तो आप इसको भी ले सकते हो। आप यहाँ पे मेरे जो ब्राउ पेंसिल में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो पूजा के टाइम लेना है, डेफिनेटली आप ये वाला ब्राउ पेंसिल यूज कर सकते हो। ये बिगिनर्स फ्रेंडली है, बहुत आसानी से आप ब्राउ को ड्रॉ कर सकते हो। एक साइड में स्पूल ही आता है, एक साइड में पेंसिल आता है। और इसका जो प्राइस है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और ये जो है ये मेरा लाइट ब्राउन है, ये बहुत अच्छा है। इसका नाम है ये फेसेस का अल्टिम प्रो आईब्रो डिफाइनिंग पेंसिल। इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपके पास ब्लशेस नहीं है तो नो वॉरी, आप कोई भी लिपस्टिक्स लगा सकते हो मेरी तरह। मैं यहाँ पे एक लैक्मी 95 वेटलेस मैट मूस लिप एंड चिक टिंट मैंने लगाया है और मेरा शेड है इन दी शेड फ्रुशिया स्विट्स बोल के ये नंबर है। आप कोई भी लिपस्टिक यूज कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ अच्छा लिक्विड लिपस्टिक है या बुलेट लिपस्टिक है तो डेफिनेटली आप इसको यूज कर सकते हो। और इसके साथ यहाँ पे ये वाला जो कॉम्पैक्ट है ये बहुत अच्छा है, 9 to 5 प्राइम प्लस मैट पाउडर फाउंडेशन है ये। इसका जो प्राइस है वो है 575 पर ये मुझे डिस्काउंट में मिली थी। और आप देखो मैंने कितना इसको ऑलरेडी मैंने इसको कितना ख़त्म कर चुकी हूँ, ये पैलेट हिट कर चुकी हूँ मैं, तो ये बहुत अच्छा है। और इसके साथ एक अच्छा सा स्पंज आती है तो ये भी काफ़ी अच्छा वाला एक मतलब इन्वेस्टमेंट होगा। आप थ्रू आउट द ईयर इसको यूज़ कर सकोगे। और ये मैं एक साल से यूज़ कर रही हूँ, लास्ट पूजा में मैंने इसको लिया था, अभी भी मेरा चल रहा है। तो आप अगर इसको लोगे तो आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। उसके साथ अगर आप मस्कारा के लिए ढूंढ रहे हो तो आप मेबेलिन का मस्कारा भी यूज़ कर सकते हो। मेबेलिन का बहुत अच्छा अच्छा मस्कारा आता है पर मुझे लॉरियल का ये वाला मस्कारा बहुत पसंद है। अगर आपके लैशेस कम हो, जैसे मेरे लैशेस कम है और मैं फॉल्सेस नहीं लगाती हूँ, तो डेफिनेटली आप एक ऐसे मस्कारा में इन्वेस्ट कर सकते हो। पर हाँ, ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइज से है। इसका जो प्राइस है दैट इज 1099। ये भी आपको आई गेस अभी जो ऑफर्स चल रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएंगे। और अगर आप इतना देखिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप जाके मेबेलिन के मस्कारा में इन्वेस्ट करो। मेबेलिन के मस्कारा बहुत अच्छे होते हैं। एंड दैट्स इट। और हाँ, मैं यहाँ पे लिपस्टिक लगाऊंगी। मैंने यहाँ पे एक बहुत ही अफोर्डेबल वाला लिपस्टिक फेसेस कनाडा अल्टिम प्रो का एक लिपस्टिक लिया है, कॉम्फी मैट, और मेरा शेड है 08। और ये जो वाला शेड है ये बहुत अच्छा शेड है। तो ये जो शेड है बहुत ही नो रस्टी ब्रिक कलर का शेड है। आई डोंट नो वाई, मेरे लाइट की वजह से या कैमरा में ज़्यादा इसको अब थोड़ा बोल्ड लिप्स लग रहा है, पर इतना बोल्ड नहीं है। ये कलर थोड़ा ब्राउनी मतलब ब्राउन कलर में जो न्यूड कलर आता है वैसा है। एक्चुअली ये कलर थोड़ा रस्टी कलर है, मतलब रस्ट का जो कलर होता है, ब्रिक का कलर होता है, पर पता नहीं मेरे लाइट के कारण शायद ऐसा आ रहा है।
और इसके साथ आप ये वाला स्विस ब्यूटी का ये फिक्सर यूज कर सकते हो, ये भी काफी अफोर्डेबल है और इसका जो प्राइस है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैंने आज जो भी मतलब जितने भी आपके आपको सजेस्ट किया है, मैंने जितनी भी चीजों से मेकअप किया है, सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही बजट फ्रेंडली है। आई एम डन विथ माई पूजो लुक, दिस इज वन ऑफ माई लुक, आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पे ये वाला एक ग्रीन कलर का, मतलब लाइट ग्रीन कलर का मैंने यहाँ पे कुर्ता पहना है एंड बहुत सिंपल रखा है मैंने आज का लुक। आप बोल सकते हो ये वाला लुक सोष्ठी लुक हो सकता है, मतलब सोष्ठी पूजो सोष्ठी लुक। ये लुक वन ऑफ माय फेवरेट लुक, मुझे ऐसे मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और हाँ, पूजा में एक दिन तो मैं ऐसे सजती हूँ, मतलब ऐसे ही लुक रखती हूँ। स्पेशली मैं सोष्ठी के दिन थोड़ा सिंपल रखना पसंद करती हूँ, ऐसे एक कॉटन का कुर्ता एंड एक इयर रिंग और ऐसे न्यूड मेकअप लुक, ऐसे लुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि उस सोष्ठी के दिन हम में से बहुत लोगों को ऑफिस जाना पड़ता है, बहुत लोगों को कुछ ना कुछ काम होता है, शॉप तो भी से हम लोगों को छुट्टी मिलता है, तो इसीलिए हम लोग सोष्ठी के दिन थोड़ा ऐसे सोबर लुक रखना मैं पसंद करती हूँ। तो यस, दिस इज वन ऑफ माई लुक। और हाँ, बहुत जल्द मेरे सारे लुक्स आएंगे, मतलब मैं आपके साथ सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी सारे लुक शेयर करूंगी। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन को हिट करो ताकि मैं नई न्यू वीडियोस डालूं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बोलो आपको और कैसा लुक देखना पसंद है। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, चीकू_गॉर्जियस_ऑफिशियल। बाय बाय।